हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपको एकदम टेस्टी ठंडा ठंडा फ्रूट सैलड कैसे बनाते हैं उसकी रेसिपी बताऊंगी। समर में, गर्मियों में ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बनाना बहुत ही आसान है। तो आप ये टेस्टी फ्रूट सैलड विथ कस्टर्ड मिल्क या फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही नई रेसिपी के लिए प्लीज आप बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए। फ्रूट कस्टर्ड के लिए एक बर्तन में मैं 4 कप दूध, तो फुल फैट 1 लीटर दूध ले लेंगे, बफेलो का दूध, और हम इसे उबालेंगे। तो मैं मीडियम गैस पर उबाल आए तब तक दूध को ऐसे चलाते हुए उबाल लूंगी। और दूध उबालने के लिए बर्तन आप थिक बॉटम वाला ही लीजिए, नहीं तो दूध है वो तुरंत चिपकेगा बर्तन में। और ऐसे चलाते हुए आप दूध को गर्म होने दीजिए। तो जब तक दूध हमारा गर्म हो रहा है तब तक साइड में मैं मिल्क और कस्टर्ड पाउडर का घोल बना लूंगी। इधर मैंने आधा कप दूध लिया है, दूध मैंने ठंडा लिया है। दूध आप रूम टेम्परेचर पर या ठंडा ही लीजिए। गर्म दूध में कस्टर्ड पाउडर है वो पिघलता नहीं है और उसके लम्स बन जाते हैं। तो मैंने आधे कप दूध में 3 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, और कस्टर्ड पाउडर मैंने वेनिला फ्लेवर का लिया है। अच्छी ब्रांड का आप कस्टर्ड लीजिए तो ही कस्टर्ड है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। और चम्मच की मदद से हम अच्छे से दूध और कस्टर्ड पाउडर को मिक्स कर देंगे, तो गुठलियां ना रहे, ऐसे अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। और अगर आपको ज्यादा गाढ़ा कस्टर्ड चाहिए तो आधा टेबल स्पून ही कस्टर्ड और ऐड करें। अगर आपको मीडियम प्रॉपर चाहिए तो 3 टेबलस्पून लीजिए। तो इसे मैं साइड में रखूंगी। और दूध है वो अभी उबलने लगा है और उसमें 1 उबाल आ गया है, तो मैंने इसे चलाते हुए उबाल लिया है। और गैस की आंच हम अभी मीडियम कर देंगे। तो आप देख सकते हो उबाल आ गया है, गैस की आंच मैं मीडियम कर दूंगी। और जो हमारा घोल है कस्टर्ड पाउडर और मिल्क का, वो हम थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे, पर हम चलाते हुए उसे ऐड करेंगे, नहीं तो उसमें गुठलियां बन जाएगी। तो ऐसे मैंने पूरा कस्टर्ड का घोल है वो डाल दिया है और हम साइड से निकालते हुए इसे मिक्स करेंगे। साथ में ही मैं 3/4 कप शक्कर या फिर 12 टेबलस्पून आप शक्कर डाल दीजिए और मिक्स कर दीजिए। और हम शक्कर पिघले और कस्टर्ड हमारा गाढ़ा हो जाए तब तक हम 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से उबाल लेंगे। अगर आप मीठा ज्यादा खाते हो तो 12 टेबलस्पून डालिए, अगर आप मीडियम खाते हो तो 10 टेबलस्पून जितना शक्कर डाल दीजिए, मिक्स कर देंगे। और आप देख सकते हो मिक्सचर अभी हमारा गाढ़ा हो गया है। तो 4 मिनट के लिए मैंने उसे मीडियम आंच पर उबाला है और कस्टर्ड ऐसा गाढ़ा हो जाए, बाद में हम गैस की आंच बंद कर देंगे और कस्टर्ड को हम छान लेंगे ताकि उसमें कोई भी गुठलियां हो वो निकल जाए। तो ऐसी छन्नी मैंने बड़ी वाली ली है, उसमें मैंने पूरा कस्टर्ड दूसरे बर्तन में डाल दिया है और गुठलियां को हम चम्मच के मदद से छान लेंगे। और कस्टर्ड अभी हमारा गरम है तो मैं अभी कस्टर्ड में 10 काजू के टुकड़े, तो मैंने ऐसे 1 काजू के 3 टुकड़े कर दिए हैं, और 10 बादाम के टुकड़े, तो उसे भी मैंने ऐसे 2 हिस्सों में काट लिया है। और गरम गरम कस्टर्ड में हम काजू और बादाम डाल के मिक्स कर देंगे ताकि थोड़ी देर के बाद वो सॉफ्ट हो जाएगी तो खाने में बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो कस्टर्ड को अभी मैं ठंडा होने दूंगी। तो कस्टर्ड को अभी रूम टेम्परेचर पर आ गया है और अभी मैं उसमें 5 इलायची को हम कूट के डाल देंगे। तो अच्छे से हमें उसे पाउडर बना के पीस लेना है। तो ऐसा पाउडर हो गया है, अभी मैं उसे कस्टर्ड में डाल दूंगी।
तो इलायची पाउडर है हमेशा कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आए, बाद में ही डालें, नहीं तो उसका फ्लेवर है वो चला जाता है। तो इसलिए मैंने अभी डाला है। अभी मैं कस्टर्ड को रेफ्रिजरेटर में रख के उसे एकदम हम ठंडा होने देंगे। 3 घंटे के लिए मैंने फ्रूट कस्टर्ड कस्टर्ड को रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और ये अभी एकदम ठंडा हो गया है। ठंडा होने के बाद हम अभी इसमें फ्रूट्स डाल देंगे। तो मैंने एक छोटा बाउल अनार के दाने डाल दिए हैं, 2 चीकू, तो मैंने चीकू को बारीक टुकड़े कर लिए हैं तो एक छोटा बाउल जितना है, और एक एप्पल उसे भी बारीक काट के डाल दिया है, 1 से 1.5 तक बनाना तो ये भी एक छोटा बाउल जितना है मैं डाल दूंगी, और ब्लैक ग्रेप्स और हम हरे अंगूर दोनों डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। तो फ्रूट आपके हिसाब से, आपको जो भी ज्यादा पसंद है वो कम ज्यादा आप ले सकते हो। और हमारा ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड तैयार है सर्व करने के लिए। तो बच्चों से लेके बड़ों को सबको ये बहुत ही पसंद आएगा। तो आप ये टेस्टी ठंडा ठंडा फ्रूट कस्टर्ड या फिर फ्रूट सैलड विथ कस्टर्ड की रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट में बताएं कि रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।